मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। तब आप पूछेंगे बेस्ट क्वालिटी क्या है? बेस्ट क्वालिटी है मुल्तानी मिट्टी, मिलती है अभी भी इस देश में, खरीद लाइए बाजार से। क्या करें उसका? मुल्तानी मिट्टी को दही में डाल दीजिए रात को, या दही की ताक में डाल दीजिए, सवेरे तक एकदम मुलायम हो जाएगी। उसको पेस्ट बनाइए, शरीर पर ऐसे ही लगाइए जैसे साबुन लगाते हैं, और नहा लीजिए गर्म पानी से, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। दूसरा तरीका, चने का आटा माने बेसन, उसमें मलाई मिलाइए, पेस्ट बनाइए, उसको रगड़िए और उससे नहाइए। तीसरा तरीका, आप जो है अपने घर में ले आइए मसूर की दाल का आटा, मसूर की दाल होती है उसको पिसवाइए, उसका आटा बनता, उसमें शहद मिलाइए, मध मिलाइए, और उसका पेस्ट बना के उससे शरीर को लगाइए और गर्म पानी से नहाइए, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। चौथा तरीका, मुल्तानी मिट्टी लीजिए, अरीठा का पाउडर लीजिए, शिकाकाई पाउडर लीजिए, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाइए, डिब्बे में बंद करके रखिए, एक साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। नहाने के 20 मिनट पहले एक चम्मच पाउडर एक गिलास पानी में डाल दीजिए, और उस पानी से पहले शरीर के बाल धो लीजिए, आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे, और फिर उसी पानी से शरीर से नहा लीजिए, आप कोई साबुन लगाने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं होगी। और आपको मैं बताऊं सबसे अच्छा, आपके यहां अकोला में गाय के गोबर से एक साबुन बनता, और गाय के गोबर से जो साबुन बनता है, पिछली बार मैं आया था यहां से खरीद के ले गया था, और मैंने मेरे सब दोस्तों को बांटा, मैं भी नहाता हूं। मैं आपको सच बताऊं कि उस साबुन से नहाने के 10 मिनट के बाद शरीर में से खुशबू निकलती है। फिर एक दिन मैंने पुराने कुछ ग्रंथ खोजे तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में जब यज्ञ किया जाता था तो किसी भी राजा को यज्ञ करने से पहले गोबर से स्नान करना जरूरी होता था। भगवान राम ने भी यही किया था, जब भगवान राम ने यज्ञ किया तो गोबर से स्नान किया था, तब यज्ञ करने के लिए बैठ पाए थे। तो शास्त्रों में इसका वर्णन है, और गोबर से स्नान करना बहुत ऊंची बात है। आपके घर में अगर देसी गाय है तो उसके गोबर से आप सीधे स्नान कर सकते हैं, नहीं है तो आपके अकोला में बनता है इतना अच्छा साबुन, और अगर आप वो खरीदेंगे तो पैसा कहां जाएगा? अकोला का पैसा यही रहने वाला। और वो साबुन यहां के किसी गौशाला में बनता तो आपका दिया गया पैसा जाएगा कहां? गौशाला में जाने वाला। उस गौशाला को चलाने वाले कुछ भाइयों को रोजगार मिलेगा, और मेरी तो कल्पना है कि ऐसी गौशालाएं गांव गांव गली गली घर घर में खुल जाए, और उनमें से ये गोबर निकलेगा, साबुन भी बनेगा, दूध बनेगा, घी निकलेगा, क्या क्या नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। तो आप ये फालतू के साबुन खरीदना बंद करिए, मुल्तानी मिट्टी से नहाइए, अरीठा शिकाकाई मुल्तानी मिट्टी के पाउडर से नहाइए, या फिर चने के आटे से नहाइए, या फिर आपके गांव में जो गोरस का गोबर से साबुन बनता है उससे नहाइए। हिंदुस्तान का हर साल हम सैकड़ों करोड़ रुपया बचा सकते हैं। ये मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन।